प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतई नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम तुम किस कथा गई हो आज पांच मिनट को सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद शोधर सदय श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद शोधर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। ठीक गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जगत में आने का क्या क्या कारण है, क्या क्या पीछे रहस्य है। यद्यपि आने का बहुत बहुत सारे कारण है लेकिन उसका अंदर में विशेष करके चार विशेष कारणों को बताया। कहते दो उनके साधारण कारण है, गौण कारण है, और दो उनको मुख्य कारण है। जो दो में जो गौण कारण है, कहते गौण का जो गौण कारण है कलियुग धर्म है नाम संकीर्तन एतद अर्थ अवतीर्ण श्री सचिनंदन। कलियुग का जो युग धर्म है वो हरिनाम संकीर्तन है, इसलिए श्रीमन महाप्रभु इसलिए जगत में आए कि हरिनाम संकीर्तन को जगत में प्रचार करने के लिए। इसलिए महाप्रभु का भविष्यवाणी था पृथ्वी ते आछे जात नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हैवे मर नाम सुखी है या लोक मोर गाई गाइवे कीर्ति। ये महाप्रभु का भविष्यवाणी एक दिन ऐसे आएगा पृथ्वी ते जत आछे नगर आदि ग्राम पृथ्वी में जितने नगर और ग्राम हैं एक दिन ऐसे होगा सारे पृथ्वी कृष्ण कीर्तन में कृष्ण नाम में नाच उठेंगे। वास्तव रूप में अभी हमको देखने को मिलता है पृथ्वी में ऐसे कोई राष्ट्र नहीं जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रचार नहीं हुआ, जहाँ पर भगवान का नाम कीर्तन अभी नहीं हो रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर का भी भविष्यवाणी था एक दिन ऐसे आएगा काले और गोरे एक साथ में मिल करके हिताई गौर ब्रह्मानंदे हरी हरी वो दोनों मिल करके हैं दोनों मिल करके सबके सब हरि कीर्तन करेंगे। इसलिए प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं बोले चंडाले ब्राह्मणे करे कुला कुले कबे वाछी लाए रंग हे मान गौरंग बिना नहीं हार। इसलिए प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जैसे जगत में अवतार कभी हुए नहीं कभी होएंगे नहीं, कभी हुए नहीं कभी होएंगे नहीं। इसलिए कभी तुम लोगों ने कभी ऐसे देखे हो चंडाल और ब्राह्मण दोनों एक साथ में दोनों दोनों को आलिंगन करते हुए हैं भगवान का नाम कीर्तन करते हुए। पहले क्या नियम था, पहले यही नियम था जो तिलक कंठी माला केवल ब्राह्मण लोग ही ये सब काम करते थे। ठाकुर को पूजा तो ब्राह्मण के सिवाय कोई भी ठाकुर को पूजा कर ही नहीं सकते थे लेकिन ये कलयुग में महाप्रभु का ऐसे दया है ऐसे कृपा है महाप्रभु का। लेकिन कलयुग में चंडाल ब्राह्मण करे कुला को चंडाल और ब्राह्मण दोनों एक साथ में दोनों दोनों का आलिंगन करते हुए हरि कीर्तन
हैं हरि कीर्तन करेंगे, ये कभी ये नहीं था, ये केवल श्री महाप्रभु का ही ये कृपा है, महाप्रभु का ही ये आशीर्वाद है। जो कि हम लोग जैसे कहां कौन जन्म ग्रहण किया है, अब कहां जन्म हुए हो, पंजाब में, तुम कहां जन्म हुए हो, पुरी में, आप कहां जन्म हुए हो, ढेंकानाल, हर कोई बंगाल में, कोई बिहार में, कोई उड़ीसा में, कोई लंदन में, कोई फ्रांस में, कोई अमेरिका में, कोई जर्मनी में, कोई चीन में है, हर कोई अमेरिका में, देखो हम सबके सब लोग इकट्ठे यहाँ पर, सबके सब लोग इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए महाप्रभु का यही भविष्यवाणी था, पृथ्वी ते आचे जात नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मर नाम, पृथ्वी में सर्वत्र मेरे नाम प्रचार होगा। इसलिए महाप्रभु जगत में आने का ये एक कारण है, कलयुग का जो युग धर्म हरिनाम संकीर्तन है, ये हरिनाम संकीर्तन को सर्वत्र प्रचार और प्रसार करना। इसलिए महाप्रभु स्वयं जब संन्यास लेकर के ये जगन्नाथपुरी में आए, उन्होंने 6 साल तक पैदल में चल चल करके उन्होंने महाप्रभु सर्वत्र गए, सर्वत्र ये हरि कीर्तन को महाप्रभु ने प्रचार किया। केवल खुद नहीं, अपना भक्तों को भी भेजा, किसको भेजा, बोले सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, हमार आज्ञा सर्वत्र करह प्रकाश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, और अमार आज्ञा गुरु हैया तार एक देश। महाप्रभु श्री नित्यानंद हरिदास ठाकुर जी को भेजा, बोले जाओ दरवाजा पर जाओ, हैं जा करके जिसको देखो, हजारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको कृष्ण उपदेश करो। महाप्रभु बोले सबको भिक्षा मांगो, क्या भिक्षा मांगो, उनने 3 चीज भिक्षा के लिए मांगी, 3 चीज बोले भिक्षा मांगना, बोलो कृष्ण, बोलना तो बोलना क्या केवल कृष्ण ही बोलना, भज कृष्ण, भजन करना तो किसको भजन करना, कृष्ण भजन करना, अगर जीवन में किस चीज को शिक्षा प्राप्त करना तो कृष्ण भक्ति को ही शिक्षा प्राप्त करो, और कोई चीज को प्राप्त नहीं करनी चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद इसको विषय में उन्होंने बोले, महाप्रभु ने ये नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को क्यों भेजा दरवाजे पर, उनको तो बहुत सारे भक्त लोग थे, क्यों भेजा, कोई बता सकते एक ही कारण बताओ, बोला अनुपम एक कारण बताओ, उसमें प्रभुपाद उसमें 4 कारण बताया, ये दोनों को क्यों भेजा, यद्यपि महाप्रभु का परिक्रमा में बहुत भक्त लोग थे, लेकिन ये दोनों को उन्होंने क्यों भेजा है, बताओ एक कारण बताओ, जोर से बोलो, हिंदी में बोलो, सब सुन रहे, उसको घुमा दो, बोलो ठीक से बोलो, घुमाने उधर गलतने पर हो जाता है ना कुछ करने में, हाँ बोलो ठीक से बढ़िया से, देखो जोर जोर से आज मैं बताऊंगा, कल आप लोग से सुनूंगा, ठीक है, ध्यान देकर सुनूंगा। पहला कारण है, महाप्रभु बोले जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, महाप्रभु ने ये नहीं बताए, नहीं जब केवल ब्राह्मण को देखोगे तभी बोलना हरिनाम करने के लिए, जब किसी शूद्र को देखोगे उसको ये नहीं बोलेगा हरिनाम मत करो, ऐसे ऐसे महाप्रभु नहीं बताया। महाप्रभु क्या बताया, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जो तुम्हारे सामने पड़ेगा उसको कृष्ण भजन का उपदेश देना, मतलब है कद भगवान की भक्ति में है, भगवान की भक्ति में जात पात कुछ ना कोई, हरि का भजासो हरि का हो, भगवान की भक्ति में
जात पात का कोई विचार नहीं। इसलिए जय भजे सही बड़ा अभक्त हीन छार, कृष्ण भजन नहीं जाति कुलाद विचार। कहते कृष्ण भजन में जाति कुल का कोई विचार नहीं, जो भजन करता है वही सर्वश्रेष्ठ है, और जो भजन नहीं करता है वह द्वादश गुण युक्त होने पर भी ब्राह्मण का अंदर में द्वादश गुण है, सम दमस तप शौच है, कहते उनके अंदर में द्वादश गुण है। लेकिन अगर किसी ब्राह्मण के अंदर में द्वादश गुण है लेकिन कलयुग में एक भी गुण मिलना कठिन, एक भी गुण मिलना कठिन। लेकिन कहते किसको अंदर में पूर्ण रूप में 12 गुण है, लेकिन अरविंद नाप पद अरविंद विमुखात सपचम वरिष्ठ, लेकिन भगवान की भक्ति से वो विमुख है, लेकिन उससे एक चंडाल जो कुत्ते का मांस खाता है वो सर्वश्रेष्ठ उससे। बोले क्यों? कहते अगर ये भगवान का भजन करता है तो कहते 12 गुण युक्त जो ब्राह्मण है 12 गुण युक्त जो ब्राह्मण है, लेकिन 12 गुण तो है लेकिन भगवत भक्ति नहीं करने पर कहते दूसरों को क्या कल्याण करेगा, अपना ही कल्याण ही होगा। लेकिन एक चंडाल जो कुत्ते का मांस भोजी, लेकिन अगर वो भगवान का भक्ति करता है खुद का तो उद्धार होगा ही, लेकिन उसको साथ साथ में वो 21 पीढ़ियों को भी उद्धार कर लेता है। इसलिए पहला कारण है महाप्रभु सोच रहे हैं अगर मैं श्री नित्यानंद प्रभु को भेजूंगा, नित्यानंद प्रभु कौन? बोले सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ है। अगर ये प्रचार करने के लिए जाए ना, अब देखना जब कोई व्यक्ति प्रचार करने के लिए जाता है सबसे पहले लोग देखते हैं ये कहाँ से आया, ये देखने में कैसे, इसका लिखाई पढ़ाई कहाँ तक है और इसकी परिवेश कहाँ, ये चीज सबसे पहले देखता है। इसलिए पहले दर्शनधारी पर गुण विचारी, दर्शनधारी गुण विचारी सबसे पहले ये देखता है। इसलिए महाप्रभु सोच रहे हैं अगर मैं केवल नित्यानंद प्रभु का भेजूंगा, नित्यानंद प्रभु सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है, लोग सोचेंगे शायद जो केवल ब्राह्मण कुल में जन्म हुए हैं वही केवल भगवत भक्ति में अधिकारी है, वही केवल भजन कर सकते हैं। अगर श्री हरिदास ठाकुर को भेजू, हरिदास ठाकुर कौन सा कुल में जन्म हुए? ये मुसलमान कुल में जन्म हुए। सोच रहे हैं अगर इनको अगर मैं भेजता हूँ लोग बोलेंगे भैया भक्ति कौन करने वाले? बोले मुसलमान लोग करते हैं, ये जो छोटे जाति के लोग हैं ना यही लोग ही भजन करने वाले। इसलिए महाप्रभु दोनों जाति नीचे से नीचे और ऊंचे से उच्च है, श्री नित्यानंद प्रभु सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण और हरिदास ठाकुर जवन कुल में, चंडाल कुल में, जवन कुल में, दोनों को भेज करके शिक्षा दिया भैया जय भजे सही बड़ा अभक्त ही निचार, कृष्ण भजन नहीं जाती कुलादि विचार, जो भजन करता है वही सर्वश्रेष्ठ, कृष्ण भक्ति में जात पात का कोई विचार है नहीं है। इसलिए ये पहला कारण हो गया है। कहते ये दूसरा कारण क्या है? कि दूसरा कारण है नित्यानंद प्रभु कौन है? कहते नित्यानंद प्रभु कारण दुख साई गर्भत साई च पयब दिशाई शशांश जस्यांश सकला स नित्यानंदाख रामम शरणम प्रपद्ये। नित्यानंद प्रभु साधारण व्यक्ति नहीं, नित्यानंद प्रभु से कृष्ण से अभिन्न, नित्य बलदेव से अभिन्न है नित्यानंद प्रभु, और कदिये कृष्ण से अभिन्न श्री कौन है? श्री बलदेव प्रभु, नित्यानंद प्रभु, और इनसे ही ये चतुर्व्यूह कारण दशाई गर्भ दशाई हिराब दिशाई और है संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध। कहते यहाँ से जो संकर्षण है इनसे तीन विष्णु प्रकट होते हैं, कारण दशाई गर्भ दशाई और हिराब दिशाई। कहते जो कारणाब दिशाई जो विष्णु है जब ये माया को इखन करते हैं दृष्टि करते हैं फिर माया खुबित होकर के अनंत करोड़ ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं। इसलिए ये नित्यानंद प्रभु कौन हो गए? अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि का, कहते इनका अंश का अंश ये सारा विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि करते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु कौन हो गए?
एक ब्रह्मांड नहीं अनंत ब्रह्मांड का ये सृष्टि करता। बोले हरिदास ठाकुर कौन है? कौन है? कहते ब्रह्मा। कहते ब्रह्मा कौन है? ये जो जगत का जो सृष्टि सबसे जो छोटा ब्रह्मांड है इसका सृष्टि करता श्री ब्रह्मा। नियम है जगत का, जो सृष्टि करते हैं बा जो जन्म देते हैं उनका कर्तव्य है उनको पालन करना। जैसे पिता माता बच्चों को जन्म देते हैं उनका क्या कर्तव्य है? बच्चों को लालन पालन करो, उनको लिखाई पढ़ाई सीखो, उनको अच्छा बनाओ, ये पिता माता कर्तव्य है। इसलिए अभी महाप्रभु सोच रहे हैं एक तो नित्यानंद प्रभु अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि करता और श्री ब्रह्मा जी एक ब्रह्मांड का सृष्टि करता, इसलिए ये दोनों कौन हो गए? जगत का सृष्टि करता। जब सृष्टि करता इनका कर्तव्य क्या है? कल इनको पालन करना चाहिए, इनको पालन करनी चाहिए। कहते पालन कैसे होता है? कहते केवल खाना पीना देकर पालन नहीं, ये तो साधारण रूप में, लेकिन विशेष पूर्वक जो पालन है। जैसे महाप्रभु का एक नाम विश्वंभर है, विश्वंभर नाम क्यों पड़ा? एक तो महाप्रभु जन्म होते ही ये जगत अपने आप हरी भरी हो गई, फल फूल से एकदम लद गया है। और विश्वंभर मतलब दूसरा कारण, ये विश्व ब्रह्मांड को प्रेम और भक्ति को द्वारा जिन्होंने भरण पोषण किया इसलिए उनका नाम विश्वंभर। इसलिए कहते ये नित्यानंद प्रभु और ब्रह्मा अभी ये सोच रहे हैं कि जगत को हमने सृष्टि की, जगत को हमने सृष्टि की, लेकिन लोग कर रहे हैं क्या? लोग क्या कर रहे हैं? भक्ति भक्ति छोड़ छाड़ करके केवल कुत्ते गधे सुअर जैसे खाओ पियो, बच्चे जन्म दो और मर जाओ। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य मेतत पशु नाम, ये तो जानवर का सारे काम कर रहे हैं, भगवान का भजन भजन से इनका कोई मतलब नहीं। इसलिए महाप्रभु इसलिए ये दोनों को भेजे, बोले दुनिया को तुम दोनों ने सृष्टि की है इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य? द्वार द्वार में जाओ और इनको भगवान की भक्ति की शिक्षा प्रदान करो। बोलो बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, सबको कृष्ण भक्ति की शिक्षा दो। कितना कारण हो गया? बोलो कितना कारण हो गया? दो कारण हो गया। बोले तीसरा कारण क्या है? क्या तीसरा कारण है? भैया भिक्षा कौन मांगता है? जिसको पास में जो चीज नहीं, जैसे गरीबी लोग जाकर के ना भिक्षा मांगते हैं, हैं? क्यों? उनको पास में कुछ है ही नहीं तब भिक्षा मांगते हैं ना, हैं? तभी तो भिक्षा मांगते हैं। और देने वाला का हाथ ऊंचा होता है, लेने वाले का हाथ नीचा होता है, इसलिए। लेकिन उन्होंने भिक्षा किसको भेजे भिक्षा मांगने के लिए? एक नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर। नित्यानंद प्रभु कौन? अनंत करोड विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि करता। और श्री हरिदास ठाकुर कौन? एक ब्रह्मांड का सृष्टि करता। ये तो साधारण व्यक्ति है ही नहीं, दुनिया को खिलाने पिलाने वाली है, विश्व ब्रह्मांड को जो सृष्टि करने वाले, ये तो बहुत बड़े व्यक्ति है। जब बड़े व्यक्ति है इसलिए फिर ये कौन सा चीज को भिक्षा मांगेंगे? इसलिए ये दोनों छोटे मोटे चीज दाल चावल घी आटा को सब्जी को भिक्षा करने नहीं गए हैं। कहते जो जितने बड़े भिखारी होता है, जो जगत में जितने बड़े भिखारी उसको उतना बड़ा चीज भिक्षा देना पड़ता है। इसका मतलब है ये दोनों कोई साधारण भिक्षा मांगने नहीं गए। किसको भिक्षा मांगने के लिए गए? अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक भगवान कृष्ण को भिक्षा मांगने के लिए गए। बोले हमारे झोली में भिक्षा दे दो। बोले क्या भिक्षा? बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। इसलिए उन्होंने तीन चीज को उन्होंने भिक्षा मांगी, मतलब कोई छोटे मोटे चीज को उन्होंने भिक्षा नहीं मांगी। जितना बड़ा व्यक्ति होगा उतना उसको उतना बड़ा भिक्षा देना पड़ेगा। साधारण कोई भिखारी आ गया, दाल चावल थोड़ा हम दे देते हैं, अगर मोदी भिक्षा के लिए, अभी मोदी भिक्षा मांग रहे हैं ना, सभी लोग कुछ ना कुछ मदद करो, सब लोग कुछ ना कुछ मदद करो। इसलिए वहां पर एक रुपया दस रुपया इसमें काम नहीं चलेगा, वहां कितना कोई करोड़ रुपया, कोई पचास करोड़ रुपया दान दे रहा है, कोई दस करोड़ रुपया दान दे रहा है, कोई दस लाख रुपया, कोई दो लाख रुपया, क्योंकि इसलिए कहते जो जितना बड़ा
बड़ा व्यक्ति होगा ना भिक्षा मांगने वाले, उसका उतना बड़ा बड़ा भिक्षा उसको देना पड़ेगा। इसलिए हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, इसलिए उनको उतना बड़ा भिक्षा देना पड़ेगा। किस चीज की? भगवान के नाम की भिक्षा मांग रहे हैं। इसलिए कितना कारण हो गया? कितना कारण हो गया? तीन कारण हो गया। बोले चौथा कारण क्या है? बोले चौथा कारण है, कहते श्री नित्यानंद प्रभु कौन है? कहते ये आदि गुरु, नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है। नित्यानंद प्रभु है अखंड गुरु तत्व का जो मूल श्री नित्यानंद प्रभु है। इसलिए पहला शिक्षा देते हैं घर घर में जाकर, जो भिक्षा पहला शिक्षा है। इसलिए नियम है, सबसे पहले क्या करो? श्री गुरु जी की चरण को आश्रय ग्रहण करो है। इसलिए बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरिंची शंकर सम हो। बोले ब्रह्मा शंकर जी के बराबर हो जाए, लेकिन अगर कोई जीवन में सदगुरु ग्रहण नहीं करता है तो भव सागर से पार नहीं हो सकता है। इसलिए बोले गुरु गोविंद दो खड़े काक लाग पाओ, बली हरी श्री गुरु जी जो गोविंद ये बताओ। कहते गुरु और भगवान अगर खड़े हैं, सबसे पहले किसको चरण में प्रणाम करेंगे? बोले प्रथम अंतु गुरु पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम, पहले गुरु जी को प्रणाम करेंगे, उसको बाद में फिर भगवान को पूजा करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। नहीं तो क्या होगा? अन्यथा निष्फलम भवे, नहीं तो सब कुछ निष्फल हो जाएगा। इसलिए नित्यानंद प्रभु को इसलिए भेजे, ये आदि गुरु है। इसलिए जीव का कर्तव्य क्या है? पहले श्री सदगुरु चरण को सबसे पहले आश्रय ग्रहण करें। इसलिए नित्यानंद प्रभु को भेजे, हरिदास ठाकुर को भेजे। बोले हरिदास ठाकुर को क्यों भेजे? बोले हरिदास ठाकुर कौन? बोले श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर। ये कौन है? नाम के आचार्य हरिदास ठाकुर। मतलब है नित्यानंद प्रभु का चरण को शरण लो, ग्रहण करो, और हरिदास ठाकुर से क्या लो? हरिनाम, उनसे हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम को भिक्षा श्री हरिदास ठाकुर से ग्रहण करो। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ये दोनों व्यक्ति को घर घर में उन्होंने भेज करके बोले जाओ जगत में हरिनाम का भिक्षा मांग करके लाओ। इसलिए पहला शब्द है बोलो कृष्ण, बोलो कृष्ण। बोलना तो क्या बोलना है? केवल कृष्ण ही बोलना, और कोई या वही ना बोलिवे ना बोलाई वे आर, इसको छोड़ करके कुछ बोलना भी नहीं और दूसरों को कुछ बुलवाना नहीं है। बोलना तो यही बोलना और बुलवाना तो यही बुलवाना। इसलिए बोलो कृष्ण। बोले कृष्ण बोलने से क्या होता है? बोले कृष्ण बोलने से क्या होता है? बोले कृष्ण बोलने से चेत दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या वधु जीवनम, आनंदाबुदिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, सर्वात्म स्नपनम परम विजय से कृष्ण संकीर्तनम। कहते हरि कृष्ण बोलने से कहते ये सात वस्तु का प्राप्त होता है, चित्तरूपी दर्पण का परिमार्जन हो जाएगा, भव महादावाग्नि निर्वापण हो जाएगा है, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, हृदय रूपी कुमुदिनी खिल जाएगी, विद्यावधु जीवन का है, विद्या की जो सार्थकता भगवान की नाम में ही है, प्रतिपद पद में एक नई नई आनंद की अनुभूति होगी, और एक दिन ऐसा होगा कृष्ण प्रेम रस में संपूर्ण रूप में एक दिन हम डूब जाएंगे। इसलिए बोलो कृष्ण, कद भज कृष्ण। इसको प्रभुपाद ने तो उन्होंने बड़ी व्याख्या दिया है। महाप्रभु क्यों, वो बाद में आएगा, इसका हम अच्छे तरह से सुनेंगे प्रभुपाद क्या बोलना चाहते हैं। कृष्ण बोलेंगे क्यों, कृष्ण बोलने से क्या होता है? बोला कृष्ण कहते भज कृष्ण। भजन करना तो और किसको भजन नहीं करनी चाहिए, किसको भजन करनी चाहिए? बोले कृष्ण को ही भजन करो हैं। इसलिए रूप गोस्वामी बोले ना, अन्या भिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। जो उत्तम भक्ति है केवल कृष्ण भक्ति से। कृष्ण क्यों? कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म सनातन कृष्ण है,
इसलिए यदि भजन करना तो केवल कृष्ण भजन करो और किसको भजन नहीं करनी चाहिए है? क्या वो श्लोक है, आमा भज्य मागे विषय सुख। कृष्ण बोले आमा भज्य मागे विषय सुख, हमें विज्ञा सही अज्ञे विषय का न दिव। विष छाड़ी अमृत छाड़ी विष मागे यही बड़ा मूर्ख। हमें विज्ञा सही अज्ञे विषय का न दिव सौ चरणामृत दिया विषय बुलाई। इसलिए कृष्ण भजन में एक विशेष गुण है। क्या विशेष गुण है? अगर जीव भगवान से ध्रुव महाराज जब भजन करने के लिए गए, पहले क्या भावना था, राजा बनूंगा, मैया को राजमाता बनाऊंगा, लेकिन जब भगवत दर्शन हो गया सब अपने आप हृदय से सारे चीज खत्म हो गया। क्या बोलते हैं, स्थाना विलासी तपस स्थित हम त्वाम प्राप्तवान देव मुनिन्द्र गुज्जम काचम विचिन्न अपि दिव्य रत्नम स्वामी ने कृतार्थ अस्मी परम न जाचे। बोले प्रभु पहले मैं मूर्ख था, इसलिए आपको मांगने के लिए कुछ आया हूँ। अगर कोई कांच के टुकड़े ढूंढते ढूंढते अगर उसको पारस मणि मिल जाए, जगत में से कौन सा बेवकूफ होगा जो पारस पत्र छोड़कर कांच के टुकड़ा ग्रहण करेगा। इसलिए प्रभु मैं धन्य हो गया हूँ, अभी मेरे को बर नहीं चाहिए। इसलिए कहते भजन करना तो कृष्ण भजन करो और किसकी भजन नहीं करनी चाहिए। कारण और कुछ कारण बताए उसमें, जैसे कृष्ण जैसे उसमें कह रहे हैं ना, श्री सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं पुतना बद में, क्या श्लोक है, पुतना बाल घातिनी पुतना बाल घातिनी राक्षसी रुद्रासना जिज्ञासया अभी हरे स्तनम तत्व अपसदगति। इसमें विश्वनाथ चकटल व्याख्या करते हैं, वो कह रहे हैं हम कृष्ण भजन क्यों करें, अन्य किसको हम भक्ति क्यों नहीं करें, कृष्ण भजन क्यों करेंगे। तो उसमें उदाहरण देते हैं का देखो, पुतना को अंदर में सारे दुर्गुण है, कोई भी एक सदगुण नहीं, मतलब उसके अंदर में पूरा का पूरा चार सब दुर्गुण है। पहला नंबर ये पुतना, पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं जो अपवित्र। फिर करती थी क्या, बोले बाल घाती नहीं, बच्चों का खून पीने वाली। फिर तीसरा नंबर में बोले राक्षसी, तीसरे नंबर में वो थी राक्षसी। चौथा नंबर में भगवान के लिए क्या लेकर के आई, बोले स्तन में कालकुट जहर को लेकर के आई है। उसके अंदर में सारे के सारे इसको अंदर में दुर्गुण है, लेकिन कह रहे हैं हमारे कृष्ण कितने दयालु। देखो केवल उन्होंने एक सेकंड के लिए जब कृष्ण को पुत्र रूप में केवल दर्शन की, बोले मैया जसोदा इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलने में सिखानी चाहिए, उसको तो गोद में लेकर के प्यार देनी चाहिए। केवल कहते एक सेकंड के लिए उन्होंने कृष्ण को जो पुत्र रूप में दर्शन कर दिया ना, इतने में भगवान उसको रीच गए, इतने में संतुष्ट हो गए। विश्वनाथ ठाकुर फिर टीका में कहते हैं, बोले पहला नंबर क्या, बोले पूत ना, पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं अपवित्र थी। अगर एक अपवित्र व्यक्ति को कृष्ण अगर उसको गोलोक वृंदावन में है धात्री चित अगर पद दे सकते हैं, जो अपवित्र थी अगर भगवान को पास में थोड़ी सी कोई स्नान करके थोड़ी अच्छे कोई कपड़ा पहन करके पवित्र बन करके आए तो फिर ठाकुर उसको क्या नहीं दे। दूसरा नंबर में ठाकुर के लिए लाई थी कि आप जहर बीस लाई थी। अगर एक व्यक्ति भगवान को पास में लाए अगर जहर लेकर के आई भगवान को मारने के लिए, अगर भगवान उसको गोलोक वृंदावन में स्थान दे सकते हैं, अगर कोई भगवान को पास में भले ही कुछ नहीं लाए बस केवल थोड़ी सद्भावना को लेकर के ठाकुर जी को पास में आए, नहीं तो ठाकुर जी के लिए कोई एक फूल लेकर के आए, नहीं तो ठाकुर जी के लिए कोई फल लेकर के, नहीं तो उनको सबसे प्यारा क्या है, मक्खन, मक्खन चोर है, उनके लिए मक्खन मिश्री लेकर के आए तो फिर ठाकुर उसको क्या नहीं देंगे है। फिर वो कौन थी, बोले राक्षसी। तीसरे नंबर में वो थी राक्षसी।
अगर राक्षस को ठाकुर जी गोलोक वृंदावन स्थान दे सकते हैं, अगर कोई इंसान आए तो, कोई इंसान आए तो, अगर कोई उनको कोई प्यारे भक्त आए तो फिर ठाकुर उनको क्या नहीं देंगे है? और ठाकुर जी के लिए है, इसलिए बच्चों का खून पीने वाली थी, इसलिए यहाँ पर कहते किम पुन्ना श्रद्धा भक्त्या कृष्णाय परमात्मनि। अगर कोई कृष्ण को श्रद्धा पूर्वक भक्ति करे तो फिर कृष्ण उसको क्या नहीं दे सकते, उसको क्या नहीं दे सकते। फिर उसके लिए सुंदर एक कथा सुनाई भक्त लोग ने, बोले एक समय है अंधेरी नगरी चौपट राजा टाकासर भाजी और टाकासर खाजा है। यहाँ पर एक सुंदर कथा सुनाई, ये कथा ध्यान देकर सुनो। बोले एक समय भगवान को प्रश्न कर रहे हैं, बोले ठाकुर जी ये बताओ अगर पुतना है उसके अंदर में सारे को सारे दुर्गुण थी, अगर पुतना को अगर आप इतने उच्च गति दे सकते हो फिर तुम्हारी जो भक्ति करेंगे उसको फिर आप क्या दोगे? बोलो जो तुम्हारी भक्ति करने वाले फिर उसको क्या दोगे? लगता है तुम्हारी जो राज्य है ना नगरी, अंधेरी नगरी चौपट राजा टाका सरी भाजी टाके सर खाजा। कथा सुनाए, बोले एक समय एक चेला को एक गुरु थे, चेला गुरु भ्रमण करते करते एक राज्य में पहुंचे तो उन्होंने सुना इसी राज्य में जो कुछ खरीदी करो सब एक रुपया, अगर घी एक किलो खरीदी करो एक रुपया, अगर कोई साग भाजी साग सब्जी खरीदी करो एक रुपया, अगर रसगुल्ला खरीदी करो तो एक रुपया, अगर मालपुआ खरीदी करो तो एक रुपया है। चेला ने देखा भैया बढ़िया राज्य पर पहुंच गए, जो कुछ खरीदी करो एक रुपया, भैया फिर तक साग भाजी खाने का क्या जरूरत, रोज रोज राबड़ी मालपुआ मंगाओ और घी पियो और मस्त करके बढ़िया जरा बढ़िया राज्य में आए हैं, यहाँ पर रह करके ना थोड़ी से शरीर को तंदुरुस्त बना देनी चाहिए, थोड़ी शरीर को हेल्दी बना देनी चाहिए। बोले गुरु जी बहुत बढ़िया जगह पर आए, यहाँ और छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बोले गुरुदेव ने कहा देख बेटा लगता है अंधेरी नगरी चौपट राजा टाके सारे भजी टाका सारे खाजा, जिस देश में हर चीज एक रुपया है उसका संतुलन कभी हो ही नहीं सकता है, लगता है यहाँ का राजा थोड़ा पागल होगा। जिस देश में हर चीज एक रुपया, सोना की नौ एक रुपया, रसगुल्ला लो एक रुपया, वो देश का जो पैसा की स्थिति सही थोड़ी रह सकता है, रही नहीं सकता, लगता है राजा का दिमाग थोड़ा गड़बड़ी है। भैया राजा से चलो जल्दी जल्दी भाग यहाँ से। बोले गुरु जी इतने बढ़िया जगह आप कह रहे हो भागो, गुरु जी आप ही जाओ, मैं तो यहाँ छोड़ने वाला नहीं, हम तो यहाँ रसगुल्ला लेडीगन चमचम और राबड़ी खा करके पोड़ो पिठा खा करके शरीर को थोड़ी सी बढ़िया बना दूं। गुरु जी बोले चेला को बोले भैया मैं जा रहा हूँ, बोले देख बेटा अगर कोई विशेष कोई जरूरत विपत्ति पड़े ना मेरे को याद करना। बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो अब जाओ, अभी रोज रोज मालपुआ लेडीगन चमचम पोड़ो पिठा रोज रोज चकाचक खा खा करके शरीर को एकदम तंदुरुस्ती बनाया है, एकदम लंबा चौड़ा तंदुरुस्ती बनाया। एक दिन क्या हुआ किसी बूढ़ी माता को जब चोरी हुई रात को, चोरी करके जब भाग रहा था वो व्यक्ति, वो बूढ़ी माता ने पीछे से देख लिया था, वो लंबा चौड़ा थोड़ा मोटा सा था। अभी सवेरे सवेरे राजा के पास में आया, बोले महाराज मेरी घर में कल चोरी हो गई। बोले तुमने देखा? बोले पीछे से देखा, अंधकार था ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन वो लंबा चौड़ा मोटा सा था। राजा तो थोड़ा पागल है ही है, मंत्री को बुलाया, महामंत्री सीआईटी लगा दो, हमारे देश में जो लंबा चौड़ा मोटा होगा उसको पकड़ करके लाओ। अभी घुमा कौन हमारे देश में सबसे मोटा लंबा चौड़ा, घूमते घूमते इसको देखा ही तो खा पी कर गए है, लेडिंग ने चमचम मालपुआ खा करके शरीर को लंबे मोटा बनाया था, मोटा बनाया था। उसको देखा ये तो बड़े लंबे चौड़े बोल रहा था, क्या वो लंबा चौड़ा मोटा सा था? बोले राजा बुला रहे हैं। बोले क्यों? बोले राजा का राज्य में चोरी हुआ, चोरी करके जो व्यक्ति भाग रहा था वो बूढ़ी माता जी पीछे से देख लिया था, वो मोटा लंबा चौड़ा तू ही दिख रहा है, तू ही लंबा चौड़ा मोटा, चलो राजा बुला रहे हैं। बोले पीछे से देख लिया तो लंबा चौड़ा मोटा मतलब जो सबसे बड़े वो वही चोर, बोले चलो राजा बुला रहे। अभी राजा को पास में ले आए, राजा को बोले राजा मीमांसा किया, उसको सूली पर चढ़ा दो, इसको
सुली में चढ़ा दो इसको, इसने चोरी किया। उसने देखा सचमुच से गुरु जी तो सही बता रहे थे, हैं? लगता है राजा थोड़ा पागल, पता नहीं किसने चोरी किया, पीछे से देखा तो लंबा चौड़ा, उसको भी पकड़ कर ले आओ, ये कोई बात है? अभी आप देखना एक नियम है, सुली में चढ़ाने से पहले उसको पूछा जाता है, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है क्या? तो इसको पूछे, बताओ अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो। अभी गुरु जी की बात याद आया, गुरु जी बताए थे विपत्ति आने पर मेरे को याद करना। बोले हाँ, मेरे गुरु जी से थोड़ी सी मिलने का इच्छा। बोले गुरु जी कहाँ रहते हैं? बोले गुरु जी अमुक स्थान पर रहते हैं। गुरु जी को बुलाया, बोले क्या बात है बेटा? बोले गुरु जी आप सही बता रहे थे, किसने चोरी किया, पीछे से देखा लंबा चौड़ा मोटा, और मैं तो राबड़ी कोड़ पीठा और रसगुल्ला खा खा करके शरीर को घी पी कर इतना मोटा बनाया, और मेरे को पकड़ करके ले आए। बोले इसको सुली पर चढ़ा दे। बोले बेटा तेरे को मैंने पहले ही मना कर रहा था, ये राजा लगता है थोड़ा पागल है, तू बात तो सुना नहीं। बोले गुरु जी अपराध हो गया, माफी मांगता हूँ, अभी किसी तरह से बचा। बोले देख बेटा हम दोनों लड़ेंगे। बोले किस विषय लेकर के? बोले मैं बोलूंगा मेरे को सुली पर चढ़ाओ, तुम बोलूंगा सुली पर चढ़ाओ, हम दोनों खूब लड़ेंगे, हैं? उसको बाद में जो कुछ होगा मैं देख लूंगा। अभी गुरु जी कहते हैं महाराज जी इसको सुली में चढ़ाना नहीं, मैं सुली पर चढ़ूंगा। चला लड़ पड़ा। बोले गुरु जी आप क्यों चलोगे? मैं सुली पर चढ़ूंगा, मैं दोषी हूँ। गुरु जी बोले नहीं बात तू नहीं, मैं चढ़ूंगा। राजा ने देखा भैया ये सुली पर चढ़ने के लिए दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हैं? बुलाया इधर गुरु जी को। बोले कि बात क्या? बोले बात क्या, मैं अभी अभी मैंने पंचांग देख कर आया हूँ, 100 साल के बाद में आज अमृत योग आया है, आज का दिन सुली में जो चढ़ेगा सीधा वैकुंठ जाएगा, अभी मैं देख देख कर आया हूँ आप पंचांग को, इसलिए 100 साल के बाद में अमृत योग आया है। गुरु जी ने फिर दोनों लड़े। बोले मैं चढ़ूंगा। गुरु जी ने देखे 100 साल के बाद में अमृत योग आया। बोले थोड़ी समय के लिए आया, ज्यादा समय नहीं, ठीक इसी समय में। उसने देखा भैया अभी मेरी माँ बूढ़ी है, कुछ दिन बाद में मरने वाला, अगर इसको अगर सुली में चढ़ा देगा तो सीधा वैकुंठ चली जाएगी। बोले तुम लोगों को सुली में चढ़ने का जरूरत नहीं, जा भागो दोनों, भागो यहाँ से, मेरी मैया बूढ़ी और 100 साल के बाद अमृत योग आया, मेरी मैया को बुलाओ और बुला करके सुली में चढ़ा दो। गुरु जी ने कहा बेटा चलो भागो जल्दी यहाँ से, जल्दी यहाँ से भागो, और दोनों भाग गए और राजा अपना मैया को ही सुली में चढ़ा दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ पर श्री ये जो कथा है ना इसमें सिख्या है, यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। बोले प्रभु ये बताओ अगर आप पुतना जैसे व्यक्ति जिसको अंदर में पूरा ही दुर्गुण जिसको अंदर में, अगर ऐसे व्यक्ति को अगर आप गोलोक वृंदावन में ढाई माह की पद दे सकते हो, है चित्तो उसको वैसे ही गुण दे सकते हो, लेकिन आपको जो भक्ति प्रेम ब्रज में जो गोपियां हैं ब्रजवासी है तुम्हें जो मक्खन खिलाने वाले हैं तुमको जो प्रेम करते, फिर उसको तुम क्या दोगे? बताओ उनको क्या दोगे? तब कृष्ण कहते देखो मैं सबको सब चीज नहीं देता हूँ, जे जथा माम प्रबदते ताम तथैव भजामि अहम्। जो मेरे को जैसे भजन करता है मैं उसके अनुरूप प्रेम प्रदान करता हूँ। ब्रजवासियों के लिए तो मैं जो चीज देता हूँ आप तो सोच भी नहीं सकते, उनके लिए जो चीज देता हूँ, इसलिए बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज गोसाम जन्मित्र परमानंदंग पूर्ण ब्रह्म सनातनम। वो पूर्ण ब्रह्म सनातन होते हुए भी कृष्ण किसकी सखा बन गई। अगर कभी सखाओं को साथ में खेलते खेलते अगर कोई सखा हार जाए, कोई कृष्ण हार जाए ना, बोले कना कन्हैया घोड़ा बन। बोले मैं घोड़ा नहीं बनता हूँ। बोले घोड़ा नहीं बनोगे? बोले नहीं। बोले जब हमारी बारी आई तो तुमने हमें घोड़ा बना दिया, और तेरी बारी आ गई तो घोड़ा में नहीं चढ़ोगे? बोले सखाओ ये कृष्ण को अकेले कर दो, इससे कोई बात नहीं करना, कोई बात है? कृष्ण कहते नहीं नहीं ऐसे मत क्या करो, मेरे को अकेले मैं घोड़ा बनूंगा। बोले घोड़ा बन। बोले उनको माठ बन से लेकर के भांडेरी भट्ट तक कृष्ण को घोड़ा बनना पड़ता, सखाओं का झूठा न खाते। मैया जसोदा उखल में बांध देती है विश्व ब्रह्मांड को, जो कान पकड़ करके उठाती है बैठाते विश्व ब्रह्मांड को, मैया उसको कान पकड़ करके है उसको उठाती है बैठाती है, लकुट की भय दिखाती है, और कृष्ण राधा रानी के चरण में अगर कभी मान कर लिया तो कहते स्मर गरल खंडनम मम सिरसि मंडनम
दही पद पल्लव मुदार, हे राधे आज इतने क्यों मान किए हो, मैं अपना तुम्हारी चरण तो बड़े कोमल हो कोमल है, मैं अपना सर झुका देती हूँ, तुम अपना मान को छोड़ दो, मान को छोड़ दो, इसलिए कहते मैं सबको सब चीज नहीं देता हूँ, जो जैसे भजन करता है उसको अनुरूप वैसे ही मैं प्रेम प्रदान करता हूँ, इसलिए हाँ भैया मैं किस लिए इतना बात बताती हूँ, बात मैंने किस लिए बताया, हाँ किस लिए किसी बात महाप्रभु कथा में क्यों आया, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, हाँ हाँ इसलिए बोलो कृष्ण और भज कृष्ण, यहाँ पर कह रहे हैं भक्ति करना तो किसको भक्ति करनी चाहिए, भजन करना तो किसको भजन करनी चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं भजन करना तो कृष्ण ही भजन करना, क्योंकि कहाँ कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन हो करके उन्होंने भक्तों का प्रेम में जितने वशीभूत हो गए ना, अभी तक इतना वशीभूत कोई नहीं, कोई इतने वशीभूत नहीं हुए है, भगवान ने राम को भक्ति भी भक्ति है राम की भक्ति, लेकिन अगर कोई सखा सुग्रीव ने थोड़ी सी कोई इधर उधर किया तो फिर लक्ष्मण आकर के ऐसे उनको है शासन करते हैं, बोले जिस बाण से उन्होंने बाली को मारे वो बाण अभी गया नहीं, अभी वही बाण त्रिणी में है, इसलिए भगवान तुमको राज्य दे दिया और राज्य में बैठ करके सब कुछ भूल गए, इस सखाओं को ऐसे जितने भगवान की सखा है ऐसे उनको डांट लगाते हैं, लेकिन इस कृष्ण लीला में अगर कृष्ण थोड़ी सी बोल दिया ना, कृष्ण को एक बोला दस गाली कृष्ण को सखा लोग सुना दे, दस गाली सुना देते, इसलिए कृष्ण जितने भक्तों का प्रेम में वशीभूत हुए हैं उतना और कोई भी वशीभूत नहीं हुए, इसलिए जो है जो माधुर्य कृष्ण में परिपूर्ण रूप में वो माधुर्य और कहीं भी नहीं, इसलिए भज कृष्ण और कर कृष्ण शिक्षा, कहते अगर जीवन में किस चीज को अगर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, किस चीज को शिक्षा प्राप्त करो, केवल कृष्ण भक्ति को ही जीवन में शिक्षा करो और किस चीज को शिक्षा नहीं करनी चाहिए, इसलिए प्रभुपाद ने इसको ऊपर में बड़ी सुंदर उन्होंने व्याख्या दिया है, इसलिए महाप्रभु जगत में आने का जो पहला कारण किया था, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हैवे मर नाम है, एक दिन ऐसा आएगा पृथ्वी गली गलियों में शहर शहर में सर्वत्र मेरे नाम गूंज उठेगा और लोग सबके सब प्रसन्न होकर के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमान नित्यानंद प्रभु की, बोले श्रील गुरुदेव की, जय जगन्नाथ महाप्रभु की, बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की, पिताय गौर ब्रह्मानंदे, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गो राधे गोविंद गोविंद राधे 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 बोल हरि कृष्ण कृष्ण हरि हरे बोल बोल हरि राम 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 हरि हरे हरे राम हरे राम
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम